Hello everyone, assalamu alaikum, welcome back to my channel, it's me Vimsha. So guys, today I'm sharing with you कि मैंने ये look किस तरीके से achieve किया है. और अगर आपको ये video पसंद आए तो मेरे channel को subscribe ज़रूर कीजिएगा और video को like ज़रूर कीजिएगा. और okay, let's begin with the video. So यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने face को tone कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे एक toner use कर रही हूँ Derma Plus का. इसको मैं थोड़ा सा dry करूँगी, then मैं यहाँ पे जो हूँ eyebrows बनाऊँगी. ब्रोज के लिए जो है मैंने मिस रोज का जो है पोमेड यूज़ किया था और प्यूरिफाई में आमना का एंगल ब्रश ब्रो ब्रश. सो गाइस, मैं यहाँ पे जो हूँ इसको जो है ऊपर लाइन क्रिएट करूँगी, नीचे लाइन बाकी फिल कर दूँगी, दैट्स इनफ. एंड फिर मैं यहाँ पे क्रिस्टीन का जो है कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, अपनी आईज़ को जो है अच्छी तरीके से जो है कंसील करूँगी. मैं आईब्रो को नीट करूँगी और ताकि मेरी जो भी हो आई शेडो वो बहुत पिगमेंटेड लगें, अच्छे लगें. ऊपर से भी मैं इसको नीट करूँगी ताकि आईब्रोज थोड़ी और शार्प दिखें, अच्छी लगें, नीट एंड क्लीन लगें. उसके बाद मैं उसी फ्लैट ब्रश से पूरी आईज़ पे लगा लूँगी कंसीलर, देन जो हूँ मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लूँगी. और फिर मैं यूज़ कर रही हूँ फेस इट का 48+48 मखमली आई शेडो पैलेट. एंड देन मैं इसमें से ये एक मेहरून कलर का मैट शेड यूज़ कर रही हूँ. इसको मैं अपनी जो है ट्रांजेक्शन शेड के तौर पे लगाऊंगी, जो भी एक्स्ट्रा हो उसको डस्ट आउट कर देना है. शेड को जो है थोड़ा थोड़ा लेकर ही बिल्डअप करना है, क्योंकि एकदम से ज़्यादा लेकर हम अगर काम करेंगे शेडो से तो वो ख़राब हो जाएगा. देन मैं यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर का एक शेड है उसको जो है अपने क्रीज के ऊपर लगाऊँगी, जो है उसको अपने ट्रांजेक्शन शेड के साथ जो है मिक्स करूँगी ताकि जो है मेरा ट्रांजेक्शन शेड जो है अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाए. एंड देन फिर ये मैं लाइट ग्रीन कलर का शिमर शेड ले रही हूँ, उसको जो है अपनी इनर कॉर्नर पे लगाऊंगी. तो मैं ब्रश से लगा रही थी लेकिन ब्रश से वो पिगमेंटेशन नहीं आ रही थी, फिर मैं फिंगर से लगाने लग गई तो फिंगर से काफ़ी अच्छी पिगमेंटेशन आई थी. तो आप दोनों चीज़ों से ट्राई किया करें, कोई भी शेड हो. वैसे शिमरी शेड जो है अच्छी तरीके से फिंगर से लग जाते हैं. इसको मैं फिंगर से लगाऊँगी अपनी हाफ लिड पर और फिर एक फ्लफी ब्रश लेकर ब्लेंड कर दूँगी मैं इसको अच्छी तरीके से, ताकि कोई हार्श लाइन ना हो. देन मैं यहाँ पर जो हूँ एक ब्लैक शेडो ले रही हूँ ताकि अपनी आईज़ को थोड़ी सी और डेप दूँ. ये जो है मैं अपने आउटर कॉर्नर पर लगाऊँगी थोड़ा सा डेप देने के लिए, और इसको एक फ्लफी ब्रश से जो है ब्लेंड कर लूँगी अपने सारे शेडोज़ के साथ ताकि कोई हार्श लाइन ना हो. देन मैं यहाँ पर एक शिमरी शेड ले रही हूँ, उसको जो है मैं अपनी आईब्रो को हाईलाइट करूँगी अच्छी तरीके से ताकि मेरी आईब्रोज और प्रोमिनेंट लगे, और फिर अपने टियर डक को भी हाईलाइट करूँगी ताकि और अच्छा लगे. फिर मैं उसके बाद ब्यूटीफाय बाय आमना का स्नो ग्लो सीरम यूज़ कर रही हूँ अच्छी तरीके से अपनी स्किन को प्रेप करना है. फिर मैं ब्यूटीफाय बाय आमना का परफेक्ट प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, ये सिलिकॉन बेस्ड है, मुझे बहुत पसंद है. मेरे नोज़ पर ज़्यादा पोर्स नहीं है तो मैं थोड़ा ही यूज़ करूँगी, अगर आपको ज़्यादा लार्ज पोर्स हैं तो आप यूज़ कर सकते हो इसको, ये बहुत अच्छी तरीके से आपके पोर्स को फिल कर देगा. इसको सही तरह से लगाने के बाद मैं ब्यूटीफाई बाय आमना की बीबी क्रीम यूज़ करूँगी जिसमें मेरा शेड है 0105 बेज नेचुरल, और मैं इसको अपने पूरे फेस पे लगाऊंगी. और मैं ब्यूटीफाई बाय आमना के जो है स्पंज से ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करूंगी अच्छी तरीके से. ये लाइट टू मीडियम कवरेज है और बिल्डेबल है, आप जितना चाहोगे कवरेज दे देगी आपको. और मैं अच्छी तरीके से इसको लगाने के बाद यहाँ पर मैं स्ट्रोस का लिक्विड कंसीलर यूज़ कर रही हूँ इन बेज टू, और मैं थोड़ा ही कंसीलर लगाऊँगी, इसकी कवरेज काफ़ी अच्छी है तो मेरे डार्क सर्कल्स इतने नहीं हैं. तो इसको मैं भी स्पंज से ही ब्लेंड कर लूँगी, इतनी इजी ब्लेंड हो जाता है. देन मैं यहाँ पे जो हूँ ग्लैमरस फेस का फेस पाउडर यूज़ कर रही हूँ, इसमें मेरा शेड है 06, और मैं इससे अपने फेस को पूरा सेट कर लूँगी अच्छी तरह से ताकि मेरा बीबी क्रीम जो भी है फाउंडेशन वो क्रीज ना करे. एंड देन मैं यहाँ पे कॉन्टोरिंग के लिए ले रही हूँ ब्यूटीफाई बाय आमना का कॉन्टोर ब्रश और फिर एक ब्राउन मतलब कॉन्टोर. उसके बाद जो है मैं एक लाइन क्रिएट करूँगी ताकि मेरी फीचर्स और अच्छी तरीके से इन्हेंस हो जाएं, और फिर इसको एक फ्लफी ब्रश से मैं ब्लेंड करूँगी, अपनी नोज़ की भी कॉन्टोरिंग करूँगी. एंड देन मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ अच्छी तरीके से. देन मैं फिर यहाँ पे कलर एक्सप्रेस का जो है ब्लश ऑन यूज़ कर रहे हैं, इसमें मेरा शेड है 11, और मैं इसको अच्छी तरीके से अपने चिक्स पर लगाऊंगी
ओके सो देन मैं यहाँ पर फिर डार्कर ग्रीन कलर का शेड ले रही हूँ और एक फ्लैट ब्रश लेकर इसे अपनी आईज़ के नीचे लगाऊंगी ताकि मेरी आईज़ जो है थोड़ी सी और ओपन ओपन लगे। और मैंने वाइट पेंसिल लगा ली थी अपनी आईज़ के अंदर मिस रोज़ की, वो मैं शूट करना भूल गई थी गाइस, सो ताकि मेरी आईज़ और ज़्यादा प्रोमिनेंट लगें। सो सी गाइस, आप देख सकते हैं कि ये लगाने के बाद मेरी आईज़ और ज़्यादा अच्छी लगने लग गई हैं। देन मैं यहाँ पे मिस रोज़ की एक न्यूड कलर का कलर की जो है लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। अब मुझे इसका शेड याद नहीं कि क्या शेड था। देन मेरा लुक यहाँ पे कंप्लीट होता है। थोड़े से इयरिंग शेयरिंग पहन के शशके वशके मार लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।